तो राखी बनाने के लिए मैंने अलग अलग प्रकार की मोतियाँ दी हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कौन कौन सी मोतियाँ हम इस राखी में यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये क्रीम कलर की मोतियाँ हैं जो थोड़ी छोटी हैं, और ये वाइट कलर की मोतियाँ हैं थोड़ी सी, ये गोल ना होके थोड़ी ऐसी हैं, और ये वाइट कलर की मोतियाँ हैं, ये छोटी मोतियाँ हैं आप देख सकते हैं। और अब आप देख सकते हैं ये भी हमने ऐसी मोतियाँ लिए हैं, पर ये थोड़ी सी बड़ी हैं। और ये देख सकते हैं आप गोल्डन कलर की हैं और फ्लावर सेट में ये बने हुए हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये हैं ब्लू कलर की मोती, और ये हैं रेड मोतियाँ, ये छोटी मोतियाँ हैं। और इसके बीच के लिए हमने मेटल का ये दिया है, इसमें बहुत सुंदर गणेश जी बनाए हैं। तो अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि धागा मैंने ये कलरफुल लिया है, दो कलर में ये धागा है, लाल और पीले में। तो अब हम इसमें मोती पिरोना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने वाइट वाला डाला है, फिर जो गोल्डन कलर का फ्लावर है वो डालेंगे, उसके बाद फिर से जो एक रेड है, छोटा सा रेड हमने लिया था, उसको डालेंगे, और उसके बाद हम गोल्डन कलर का ही जो फ्लावर है वो डालेंगे। इसके बाद हम वाइट मोती डालेंगे। अब हमने एक फिर से गोल्डन कलर का मोती लिया है, वो हमने डाल दिया है। इसके बाद हम फिर से एक छोटा वाइट लेंगे और उसको धागे में पिरोएंगे। और अब हमने ब्लू कलर का लिया है, इसके बाद हमने फिर से दो गोल्डन फ्लावर लिए हैं, और इसके बाद हम एक छोटा क्रीम कलर का मोती है वो इधर है, अब हम इसको डालेंगे। और इसके बाद हम ये धागा बहुत बड़ा हो रहा है, और अब हमें मोती इधर उधर खिसकानी पड़ेंगी उसके बाद, ताकि ये अच्छे से दिखे। अब हमने जो मेटल का ये लिया है, इसको धागे के अंदर पिरोएंगे। एक बार हमने इसको धागे के अंदर डाल दिया है, और अब हमने इसमें दोबारा से डालकर इसमें गांठ लगा दी है। इसके बाद इसको बाहर से निकालना है, और फिर से इसमें इसी तरीके से गांठ लगानी है जैसे हमने पहले लगाई है। तो आप देख सकते हैं इसमें गांठ लग चुकी है। तो अब हमें फिर से उसी पैटर्न को रिपीट करना है जैसे हमने पहले मोती लगाए थे। आप देख सकते हैं कि सारे मोती डल चुके हैं। अब हम इसमें एक सुंदर सी गांठ लगाने के बाद इसको पैकिंग करेंगे। अब हमें इसमें साइड से गांठ इसलिए लगानी है ताकि ये मोती बाहर ना निकले। मैंने ब्लू कलर का एक गत्ता लिया है इसको पैकिंग करने के लिए। अब हम इसको पैक करते हैं, कोई बात नहीं। इसके बाद हमें इसके पीछे गांठ लगानी है, और गांठ लगने के बाद ही हम इसको पॉलीथीन में डाल सकेंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें सुंदर सी गांठ लग चुकी है। अब हम इसको पॉली में डालेंगे। आप देख सकते हैं कि राखी की पैकिंग हो चुकी है। आपको ये राखी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आपको इस साल की राखी अगर ख़रीदनी है तो आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय।